हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे होंगे लोकेशन चेंज है, तो हम आए हैं देहरादून, जहां मैंने बताया था कि हमारा घर बन रहा है, तो यहां आए हैं। और आज है सैटरडे, मॉर्निंग में निकल गए, मॉर्निंग में मतलब हाँ 10-11 बजे निकल गए थे हम, तो पहुँच गए थे यहाँ जल्दी से ही। और बच्चे वहाँ हैं, मामा जी के रूम पे हैं और हम आए हैं यहाँ साइड पे। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर स्टार्ट करूँगी तभी एंड होगा। अगर व्लॉग स्टार्ट, कल भी कोई कुछ नहीं शूट किया मैंने, और बस आज ही मैंने कहा स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो कल मॉर्निंग में डालना है, बट स्टार्ट ही नहीं किया, तो कल शाम तक डालूँगी, देखती हूँ क्या क्या शूट कर पाती हूँ। और बताना आप लोग कैसे हो। और अब हमारा अपना प्लास्टर स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ, केले का पेड़ दिखाती हूँ। ये केला लगा हुआ है इधर ना पूरे, ये अब निकलेंगे ये सब, इधर केले के पेड़ है। और चकोतरा दिखाऊँ आप लोगों को, बड़े बड़े से वो होते हैं ना कटाई, देखो दिख रहा है आप लोगों को, करते जूम करते हूँ, ये देखो ये देखो खटाई खटाई खाने का तो सर्दियों में आप लोगों ने खटाई। और बाइक से ही आते हैं हम लोग, टू व्हीलर से ही आते हैं, और अब बच्चे बड़े हो गए तो अब थोड़ा परेशानी भी होती है आने में, इतना नहीं आया जाता। और छोटा वाला तो सो जाता है, उसे आगे ही ना पन्नी वो बिछा देते हैं कपड़ा, वो आगे ही आराम से लेट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। बट अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो अब बाइक में भी जगह कम होने लगी है। बस तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय फ्रेंड्स। ये है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग में नहा के कपड़े धुल के तो मैं कपड़े डाल रही थी यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग हो गई है और अभी आपने देखा होगा नहा के कपड़े डाल के आ गई हूँ मैं, नाश्ता वगैरह सब हो गया है। सुबह इनके लिए तो सुबह ही बना दिया था, क्योंकि इनके ना दर्द हो रहा है दांत में, इन्होंने अभी परसों तुड़वाया है दांत, तो फिर अभी सॉफ्ट चीज़ें खा रहे, तो सेवई खा ली थी इन्होंने। पापा भैया बल्ली से नहीं डाले, दोनों बलून काइगर बलून दोनों थाई का बलून हैं। और तो ये सुबह चले गए थे साइड पे, और मैंने कहा मैं काम निपटा के आती हूँ, क्योंकि यहाँ भी आओ तो करना पड़ता है, क्योंकि मामा के दो बेटे रहते हैं तो बच्चे लड़के हैं पढ़ रहे हैं अभी। पापा मुझे भी बोले दोगे आप? चलाते हैं बलून हैं, और फिर मतलब वही झाड़ू पोछे के नाश्ता वगैरह बनाया, और कब नहा के कपड़े धुल के जा रही हूँ, फिर दिन में आऊँगी खाना बनाने। ये बिल्कुल पास में है, दो कदम का रास्ता है। हाँ। तो मैंने कहा वैसे वैसे आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, नहीं तो व्लॉग अभी भी मुझे अभी अपलोड करना था वीडियो, बट लेकिन क्या करूँ, शाम तक देखूँगी, शाम तक इसे अपलोड कर दूँगी। और बताना आप लोग क्या क्या, ठंड हो गई होगी ना आपके यहाँ भी? हाँ ठंड। हमारे तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो, हमारे अभी बहुत ठंडा हो गया। हाँ। और मम्मी में बहुत ठंडा, मैंने कहा मेकअप करते करते आप लोगों से बात भी कर लूँ, फिर वहाँ जाऊँगी ना, वहाँ मुझे थोड़ा शर्म आती है, और अभी पता भी नहीं है उन लोगों को भी। आप क्या करें? चलो आओ आप भी क्रीम लगा लें। मैं निकली। अम्मा फोटो नहीं खींचती। फोटो क्यों खींचनी है? लो आ जाओ। और इनकी बातें तो आप सुन ही रहे होंगे। पापा कहाँ गए हैं? बोल रहे हैं मम्मी पापा भैया बलून लेने गए हैं, दो दो बलून। टाइगर बलून। कौन सी बलून? टाइगर।
टाइगर बलून तुम्हें बोला था। हाँ अच्छा मामा कब जाएंगे पदर कहाँ जाना है आपको कहाँ जाना बोलो गुम्मी जाना है गुम्मी तो जा रहे हैं हम गुम्मी जा रहे हैं गुम्मी किस में जाओगे आप बोलो किन्नी नहीं जा रहा गुम्मी जाना है और आप लोगों के ठंड कैसी हो रही है बताना मुझे अच्छा है ठंड अब काफी बढ़ चुकी है बीच में तो दो चार दिन बहुत ठंडा हो गया था अब तो काफी रिलैक्स है वैसे दो तीन दिन से धूप आ रही है और देहरादून में ना बहुत ठंडा है यहाँ हरिद्वार की अपेक्षा यहाँ देहरादून में ज़्यादा ठंडा है तो चलो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हमारा काम कैसे स्टार्ट हो रहा है और अभी इसीलिए किया मैंने ताकि व्लॉग मेरा कंप्लीट हो जाए शाम तक मैं अपलोड कर पाऊँ तो वहाँ दिखाती हूँ फिर आप आराम से चलो हाँ जी सीढ़ियाँ बड़ी डरावनी है डरावनी ये दिख रहा है ना जो दो मंजिल ये है मामा जी लोगों का मकान है और ये बगल में जो है ये मेरे मम्मी पापा का है और ये उन्होंने दिया है रेंट पे क्योंकि कम आते हैं वो लोग वो दोनों भाइयों का ऊपर ही है सेटल ऊपर ही है तो वो लोग आते ही नहीं हैं बहुत रेयर जब कुछ काम पड़ गया था तो इस वजह से उन्होंने रेंट पे दिया एक रूम अपने पास रखा है और यहाँ से दिख रहा है वो कम और ये मामा जी लोगों का और ये पड़ोसी हैं इनके और हम भी बस थोड़ी दूर पे ही हैं यहाँ पे किसी का घर बन रहा है और यहाँ पे ना फोर्स क्या होता है वो क्या बोलते हैं मतलब पैंट पंप जो पानी करते हैं वो कर वहाँ पे आपको दिखाया ना ये वाला वहाँ पे मैंने आपको दिखाया तो वहाँ पे किसी का घर बन रहा होगा ना इधर बहुत प्लॉटिंग हो रही है घर बन रहे हैं तो वहाँ पे वो जो पानी क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई मतलब हैंडपम्प के लिए जैसे करते हैं ना पानी मैं पूछ के बताऊँगी मुझे नाम ही नहीं ध्यान है याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल सब मिक्स हो गया फोर सीलिंग बोल रही हूँ फोर सीलिंग तो छत पे होती है मतलब पानी जो करते हैं ना वो पानी निकाल रहे हैं वो लोग वहाँ पे आप लोगों को मुझे वैसे पता होगा अभी मैं इनसे पूछ के बताऊँगी क्या था बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा क्या कर रहा है मन्नू बताओ आप क्या कर रहे हो रो रहे हो क्यों रो रहे हो आप देख भैया लोग तो खेल रहे हैं एक बच्चा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को देखो एक बच्चा क्या कर रहा है दो बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा क्या कर रहा है एक बच्चा गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ये क्यों होता है आप लोग ही पूछो भाई इसे क्यों गुस्सा होता है ये देखो सब पूछ रहे हैं आपको कि ये बच्चा क्यों गुस्सा होता है इतना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ये बच्चा बताओ ना आप गुस्सा क्यों ये बताओ बताओ आप बताओ ना एक बार तो हमारा बेटा हमसे गुस्सा हो गया हम क्या करें अब क्या करें हम उधर चल रहा है काम तो फ्रेंड्स दिन के बज गए हैं 3:30 हो गए हैं और खाना खा लिया हमने और बच्चों को मैं रूम पे वही सुला के आ गई हूँ और यहाँ आ गई हूँ साइड पे मैंने कहा चलो वीडियो का भी एंड कर ही देते हैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ कि कितना हुआ है अभी प्लास्टर तो ये पूरी वॉल हो गई और ये नीचे नीचे ये है फ्रंट का एरिया तो ये भी है और उस साइड भी है इस साइड भी है उधर पीछे भी है और आगे का भी 1 महीना तो लगेगा कम से कम
रोड है, रोड के यहीं पे ही घर है। एक महीना लगेगा, एक महीने में होगा प्लास्टर, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं कब तक होती है। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।